जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जो लगभग टॉप से 60% के लगभग डाउन है। उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका एक मेजर सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ से और कितनी गिरावट आ सकती है, और इसका अगर अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, अगर इसमें अप ट्रेंड का कहाँ पर होगा उसको बारे में इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट को स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। रोजारी बायोटेक, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट के बारे में डिस्कस किया है। आप जाके इन वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी और अपना डिसीजन ले सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर इसकी चार्ट की बात की जाए तो देखिए टॉप से कितना परसेंट डाउन है, लगभग मतलब 63% है। तो मतलब 60% ये टॉप से डाउन है। ये मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आया। इसका अच्छा मूवमेंट किस तरह से, ये देखिए यहाँ आप मार्केट में लिस्टेड होते ही बाद में इसमें 5-5, 10-10% का अपर सर्किट लग रहे थे। हमने देखो पहले तो साथी जुड़े हुए डिस्कस किया था कि कई बार ऐसा होता है जब मार्केट में कोई भी IPO आता है तो एक बूम रहता है और उसमें 5-5, 10-10% का अच्छा मूवमेंट आता है और वो एक मतलब का आपको फंसा सकता है, ट्रेप कर सकता है कभी भी। ये कहीं भी मतलब अगर IPO आने के बाद में इस तरह से 45 डिग्री का एंगल के हिसाब से धीरे धीरे कोई स्टॉक जाता है, अगर वो पैटर्न बना के कुछ जाता है तो अपन देख सकते हैं कि एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, धीरे धीरे आएगा। लेकिन अगर उसमें कंसोलिडेट अचानक अगर मूवमेंट 5-10% का आ रहा है तो वो उसको ट्रेप करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका एक साइकोलॉजी टाइप का पॉइंट हुआ। फिर अपन देखते हैं कि देखो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, कभी भी अपने ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड, तो वो बात है कि ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी काम नहीं करना चाहिए, उसमें अपने को ज़्यादा कुछ प्रॉफिट होता नहीं है। अगर देखिए ये एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, डाउन ट्रेंड में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। ये एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, नीचे वाला लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप इस तरह से होता है, लोअर बॉटम, ये इसका डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। अब आप इसमें देखोगे कि तो यहाँ पर इस तरह से ही बन रहे, ये थोड़ा ऊपर नीचे इस तरह से, तो ये एक डाउन ट्रेंड का है, कभी भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। जो भी ट्रेंड पर ट्रेंड चेंज होने पर बाइंग करते हैं उनके लिए तो अभी तक इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। एक केवल सपोर्ट बना हुआ था, सपोर्ट के पास में ही बना हुआ है, अभी प्रेजेंट टाइम में टूटा नहीं है। मतलब ये सपोर्ट मतलब नीचे की तरफ एक मेजर सपोर्ट है यहीं पर। अगर यहाँ पर कोई भी बाइंग TRCP देता है तो केवल इसमें केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मेजर सपोर्ट के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था, मैंने बोला था भाई मेरे सपोर्ट टूट गया, लेकिन इसमें देखो टूटा नहीं है, ठीक है। मैंने इसे रेड कैंडल, अब देखो ये इस चीज़ को आप देख सको, ये एक ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर एक मतलब सॉरी रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से रेजिस्टेंस से थोड़ा पहले ही आ गया, और ये एक मेजर सपोर्ट के पास में। देखो सपोर्ट पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये मेजर एक सपोर्ट था यहाँ और एग्जैक्ट वहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पर आता है तो केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, वो भी थोड़ा बहुत है, इसलिए तो एक बार मेरे हिसाब से इस रेंज को टूटना चाहिए। टूटता है चाहे ऊपर टूटे चाहे नीचे, अगर क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ जाते हैं, कंपनी में कुछ दिक्कत है तो ये नीचे भी टूट सकता है, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न आके इस तरह से जाता है तब एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है। लेकिन अपने को ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना लेवल इंपॉर्टेंट है ये देख सकते हो, मतलब 320 को अगर ब्रेक करेगा तभी अच्छा मोमेंट अच्छी रैली आ सकती है अपसाइड में, नहीं तो नहीं आ सकती। क्योंकि दोस्तों ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड डाउन में अपन कोई भी कुछ नहीं कर सकते। अगर ट्रेंड डाउन है तो कितना भी कुछ आ जाए उसमें अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अब इस रेंज में फंसा हुआ है ये काफ़ी दिनों से, तो इस रेंज को टूटना चाहिए। अब देखो एक चीज़ अपने को और यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है तो अपने को ये पता चल जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ से भी रिवर्स मतलब ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में या तो पुलबैक पैटर्न आके यहाँ से बाइंग TRCP इस तरह से दे, या फिर जो ये ब्रेकआउट होकर पुलबैक पैटर्न आके इस तरह से, दोनों कंडीशनों से जो भी अपना सेटअप बनता है उस हिसाब से इसमें काम किया जा सकता है। एक तो ये तरह, अब फिर बाद में एक इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, कौन सा रहेगा, एक मेजर रेजिस्टेंस ये रहेगा। अब क्यों रहेगा उसको समझिए, यहाँ पर पहले सपोर्ट मिला हुआ था, ठीक है, तो ये सपोर्ट था, तो सपोर्ट हमेशा वापस रेजिस्टेंस का काम कर जाता है, और एक बार इसने आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस का भी लिया है और फिर आता है, तो यहाँ से एक बार आपको वेट करना चाहिए, मतलब अलर्ट हो जाना है। आप बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है लेकिन अलर्ट हो जाना कि यहाँ पर क्या करता है,
कहाँ कहाँ अलर्ट रहना है, बाइंग के बाद में कहाँ कहाँ ये रेजिस्टेंस ले सकता है, उस चीज़ को अपने को ध्यान रखना चाहिए। फिर बाद में आपको पता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा ये यहाँ पर, तो इसका लेवल का ध्यान रखना है। लेवल में बता देता हूँ, ये एक तो है 400 के लगभग है, फिर बाद में ये 500 के लगभग है, और फिर ये 600 के लगभग रहेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर इसको ब्रेक करेगा तो 320 को ब्रेक करेगा, तो फिर बाद में 400 एक रेजिस्टेंस रहेगा, फिर 500 रहे एक रेजिस्टेंस रहेगा, और एक 600 रेजिस्टेंस रहेगा। ये तो ऊपर की बात हो गई। अब अगर मान लीजिए नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो एक बार कुछ नहीं, कहाँ तक जाएगा कोई भी इसका सपोर्ट, ये एक सपोर्ट बना हुआ है बस, और कोई सपोर्ट नहीं है बस। तो अपने को अभी मेरे हिसाब से जो कुछ नहीं कर सकते, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते, लेकिन एक बार इसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये केमिकल सेक्टर का बिजनेस मॉडल है, जो केमिकल बनाते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं। किस तरह के इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं, दो तरह के केमिकल यूज में जाते हैं, एसेंशियल और स्पेशल केमिकल होते हैं। एक लाइफ साइंस से रिलेटेड जो अपन यूज में करते हैं, फिर क्रॉप साइंस मतलब के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पेंट कोटिंग इंक से रिलेटेड, पेंट वाले इंक वाले से, उसमें जो केमिकल यूज में किए जाते हैं, इंडस्ट्री स्पेशल केमिकल और सॉल्वेंट एप्लीकेशन, इंडस्ट्री बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज में किए जाते हैं, और कोई ये सॉल्वेंट एप्लीकेशन होता है, इसमें अगर एथिलीन जो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है उसमें आप देख सकते हो कि ये, और ये इस तरह के एडेसिव है, एलिमिनेशन है, कोटिंग है, पेंटिंग है, पैकेजिंग है, फ्लेक्सिबल है, ये इस तरह के इसमें यूज़ में किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका बिजनेस मॉडल हुआ। फंडामेंटल की बात की जाए तो देखो 1989 में इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी। मार्केट कैप की बात की जाए तो 63.02 करोड़ मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस की बात करें तो 228 है, हाई गया इसका 321 है, लो गया 222। स्टॉक भी है इसका 62 है। बाद में आरओसी इसका 11.5% है, आरओई इसका 9% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। ये इस तरह का इसका डाटा है। अब अपन बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टर फोर की रिजल्ट अभी आए नहीं है इसमें, और साइट पे भी हमने देखा था, साइट पे भी नहीं दिखा रहा। देखो क्वार्टर कभी भी आपको रिजल्ट देखना हो तो इस पे बीएससी की साइट पे जाके देख सकते हो, यहाँ से तो मैंने ये देखा तो इसमें कुछ डिटेल आ नहीं रही है। ठीक है, तो ये अपन देखिए, अपन पिछले ही क्वार्टर के रिजल्ट के देख लेते हैं किस तरह से हैं। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट की बात की जाए तो जून, सितंबर, दिसंबर की बात की जाए तो जून का कितना 729 है, बाद में सितंबर का यह 652 है, बाद में दिसंबर गया 694 है। ये इसका एक्सपेंडिचर की बात करें तो 652 है, बाद में 613 है, बाद में 642 है, ये इसका एक्सपेंडिचर है। तो मतलब इससे पहले वाले से, सितंबर वाले से दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट बढ़ के आया था, पहली चीज़ ये हो गई। फिर बात कर लेते हैं इसका, ये नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट के अलावा एक अपने को चीज़ और देखनी चाहिए, अदर इनकम का सोर्स भी ज़रूरी होता है कि क्या इसका मेन बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है या अदर इनकम का सोर्स से आ रहा है। तो ये देखेंगे तो अदर इनकम का सोर्स से 8 से 5 मतलब कम हुआ था, और ये अभी इसमें देखेंगे तो बढ़ के आ रहा है, तो मतलब उसके क्वार्टर रिजल्ट ठीक आए थे। अब क्वार्टर रिजल्ट ठीक आने के बावजूद भी कोई स्टॉक नहीं चल रहा, तो ये डाउन ट्रेंड का है पहली चीज़। अगर इसमें एक तो ये अभी क्वार्टर फोर रिजल्ट के जो भी रिजल्ट हैं वो उस तरह से किस तरह से आते हैं उसको देखना है। क्वार्टर इक्विटी कैपिटल कितना है इसका, 53 करोड़ का है। फिर बाद में रिजर्व की बात करें तो 1406 है। बोरिंग की बात करें 168 है इसका बोरिंग, यानी कर्जा कितना इस तरह से दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी है इसमें। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न का इसमें मार्च 24 में तो दिखा रहा है, ठीक है, मार्च 24 का इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें दिखा रहा है। प्रमोटर के पास में 70% है ये, और डीआई के पास में 3% है, पब्लिक के पास में 26% का है, और 400 मतलब 428,000 लोगों में, मतलब इसके क्वार्टर रिजल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, आ गए हैं। तो अब इसमें क्यों नहीं दिखा रहा, अब इसमें देखो कोई मिस्टेक हो सकती है कुछ है, तो मेरे को ये पता है नहीं इसका, क्योंकि दिसंबर का ही दिखा रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं इसका टेक्निकल चार्ट को और समझ लेते हैं। तो टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने जो लेवल डिस्कस किए वही इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। इसको लेवल हमने जो डिस्कस किए, पहली कंडीशन है ये, इसको ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न आएगा ये, बाद में आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर ये मिलेगा। सपोर्ट पर आता है तो केवल बाइंग टीआरसीपी, लेकिन यहाँ से वापस रिवर्स कर सकता है। एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर है, इसको ब्रेक करने पर ही अच्छा मूवमेंट आएगा। ये एक मेजर सपोर्ट इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ से पहले भी रिवर्स हुआ है। अगर ये यहाँ से वापस रिवर्स हो जाता है, देखो यहाँ पर बनाया भी था। और दूसरा एक चीज़ अपने को ये और चीज़ ध्यान दी, जैसे वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी यहाँ पर हैमर बन गया, और फिर बाद में ज़्यादातर अपने को ये करना है कि अग नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करनी चाहिए,
एक टेक्निकल का पॉइंट होता है कि जो भी टीआरसीपी बनता है उसको नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करना चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल नहीं बनती है, ब्रेक नहीं करती है, तो उसमें ज़्यादा मूवमेंट वाली बात नहीं हो सकता, वो कंसोलिडेट हो, उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो बिजनेस मॉडल ठीक है, फंडामेंटल ठीक ठाक आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट एक स्टॉक का डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में अगर कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल हमने जो डिस्कस किया वो लगभग अभी 230 के लगभग ट्रेड कर रहा है, यहाँ से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से होगा। इस लेवल को जो भी हमने लेवल डिस्कस किया ट्रेड लाइन को, उसको ब्रेक करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आ सकता है। केमिकल सेक्टर अभी सभी डाउन है, तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा तो सही जगह पर अपन बाइंग करने पर एक इसका भी रैली, जिस तरह से आईटी सेक्टर पहले, किस तरह से एफएमसीजी, अलग अलग सेक्टर अलग अलग टाइम चलता है, ये बिजनेस का साइकिल चलता है, सेक्टर का साइकिल चलता है, उसको अपने को समझना है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिला हो, आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अगर कुछ भी लर्निंग हो रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।